सो हे गाइस, तो आपका एक बार फिर स्वागत है मेरी वीडियो में। सो आपने जैसे ही थंबनेल पर देख लिया होगा, ग्रोजा और M187 की स्किन्स हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ये आपको कहां कहां देखने को मिलेगी। वैसे तो आप समझ गए होंगे, फिर मैं एक बार आपको फिर बताऊंगा। उससे पहले मैं आप सभी से माफी मांगना चाहूंगा गाइस, क्योंकि मैं अपनी वीडियो डालने में रेगुलर नहीं हो पा रहा हूँ। सो आज से मैं रेगुलर हूँ, बस कुछ काम आ गया था इस वजह से मैं रेगुलर नहीं हो पा रहा था, तो बट अब से मैं रेगुलर हूँ। और ऑनलाइन टेस्ट वगैरह चल रहे थे हमारे स्कूल्स के, तो खैर इस वजह से। सो खैर कोई बात नहीं, अब तो हो गया सब कुछ खत्म, तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अभी मैंने आपको बताया कि ग्रोजा रेमेडिट की स्किन हमें कहाँ देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोजा की स्किन के बारे में। सो गाइस, इन फ्यूचर हमें ये इनक्यूबेटर में देखने को मिल सकती है ग्रोजा की स्किन। तो चलिए मैं एक बार आपको दिखाया था, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये फोटो, ये हमें एक लीक मिली है, जहां से हमें लीक्स मिलती है। उन्होंने कहा है कि जरूरी नहीं कि हमारा नेक्स्ट इनक्यूबेटर होगा, तीन चार इनक्यूबेटर छोड़ने के बाद हमें देखने को मिलेगी, एकदम से नहीं देखने को मिलेगी। तो आप जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये ग्रोजा की स्किन, सो गाइस सेम वही कलर है जो हमारी पोकर M40 की थी, और जो हमारी M1014 जो मैंने आपको दिखाई थी इनक्यूबेटर की, जो कि हमारा आने वाला है कल ही। तो खैर क्या कहते हैं, मैंने आपको बता दिया। तो गाइस कलर तो सेम ही है, बस ये नाम बदल दिए ग्रोजा वगैरह। और मैं आपको मैंने दिखाया था M187। सो गाइस M187 भी हमें इनक्यूबेटर में ही देखने को मिलेगी इन फ्यूचर, बट पहले ग्रोज आएगी या पहले M187, ये अभी हमें कोई लीक नहीं मिली है। पर उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जो भी मेरे चैनल पर नए हो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। गाइस मैं ऐसे अपडेट्स एंड लीक्स लाता रहता हूँ, एंड गेम प्ले भी मैं डालता रहता हूँ, और मैं महंगी महंगी चीजें भी सस्ते में निकाल देता हूँ, जैसे कि बंडल हो गया, कुछ भी गन स्किन वगैरह हो गई, वो मैं सस्ते में निकाल देता हूँ। अगर मुझे कोई ट्रिक नहीं मिलती तो खैर गाइस मैं नहीं डालता, क्योंकि मैं अपने जो भी सब्सक्राइबर है फैन है उनको मैं घाटे में नहीं डालना चाहता। सो खैर गाइस, मैंने बात करी थी M1887 की। सो गाइस वो भी हमें इनक्यूबेटर में देखने को मिलेगी फ्यूचर में, बट पता नहीं कि पहले हमें ग्रोज आएगी। मैंने अभी बताया आपको ग्रोज आएगी M1887, कुछ नहीं पता। खैर और लीक मिलेगी तो मैं आपको बताऊंगा, पर मैं आपको दिखाई देता हूँ एक छोटी सी पिक जो कि मुझे मिली है, जहां से मुझे लीक मिलती है वहां से मिली है पिक। तो चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सो गाइस ये रही हुई चारों शॉटगन की स्किन्स M1887 की, जो कि हमें इनक्यूबेटर में देखने को मिलेगी फ्यूचर में। सो गाइस ये तो बहुत ही अच्छी लग रही है, और बहुत से बंदे जो हमारी एक और M1887 की स्किन रखी, जो ये काफी रेयर है, हमें गेम में देखने को मिली थी, बट वो बहुत कम बंदे निकाल पाए थे। बट आप इस इनक्यूबेटर की तो इजिली निकाल सकते हैं, स्टोन और ब्लू प्रिंट दो, एक या तीन, एक में ज्यादा से ज्यादा होगा तो बहुत से बंदे निकालेंगे। तो किन किन बंदों को ये अच्छी लगी प्लीज मुझे कमेंट बताना, एंड ग्रोजा किन किन बंदों को अच्छी लगी वो भी मुझे कमेंट में बताना। सो गाइज इनकी एबिलिटीज मैं बता दूंगा आपको, अभी तो खैर मेरे को लीक मिली है, मैं यही बता दूंगा। ओके तो खैर गाइज, आप कौन सी चाहते हैं गन पहले आपको देखने को मिले, M187 या ग्रोजा? मेरे हिसाब से बहुत से लोगों की यही चाहते होंगे कि उन्हें पहले हमारी M187 देखने को मिले हैं। ग्रोजा से तो खैर उन्हें मतलब नहीं, क्योंकि डबल रेट ऑफ फायर तो है, पर गाइज बहुत ही स्पेशल आएंगी इनमें, और लेजेंडरी गन्स है सारी की सारी, और बहुत ही मस्त है। तो भाई मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी है M1887 की, और स्किन हमें देखने को मिलेंगी गेम में, मजा आ गया। तो सिर्फ एक ही स्किन है भाई, मैं तो जरूर ही लूंगा इसे, जैसे अभी हमारी शॉटगन आने वाली है इसी में निकालूंगा और इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। सो गाइस चलिए मेरी वीडियो का एंड होता है यहीं पर। आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बताना, अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड गाइस कहते हैं मिलते हैं अगले एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।